प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि ये जो पूरी परीक्षा है, खासकर नेट की परीक्षा, जिसको देखकर आप भी एसोसिएट प्रोफेसर बने, पहले असिस्टेंट और फिर एसोसिएट बने, ये क्यों इतनी अहम है आपके जैसे लोगों के लिए? अगर मान लेते हैं कि आप अगर एक कैंडिडेट होते हैं यहाँ पर, जिसने इम्तिहान दिया होता और पता चलता कि पर्चा लीक हो गया, एग्जाम रद्द हो गया, तो आप इसे कैसे देखते? शुक्रिया। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो एमए के दौरान ही अपियरिंग में जेआरएफ क्वालिफाई किया और उसी के आधार पर दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और लगभग 13 साल एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी में रहा। परमानेंट करने के समय लोगों ने दूसरे तरह की राजनीति की, लेकिन उस राजनीति को भी इससे जोड़कर सोचना चाहिए कि खबरें जो आ रही हैं अगर वो पुख्ता है तो 30 से 32 लाख रुपए की लेन देन का मामला सामने आ रहा है। जो लोग पकड़े गए हैं उनकी तरफ से कि पेपर लीक कराने वाले लोग एक बहुत बड़ा स्कैम चलाते हैं। तो ये जो पैसे की हेर फेर है, नीट के एग्जाम से जुड़ी हुई है, जो आपने मीडिया में अभी चर्चा में देखा है, वैसे ही अभी दिल्ली विश्वविद्यालय में जांच हो जाए तो पता चलेगा कि कितने लाख रुपए दे करके कौन असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है। बस होता ये ना कि ये हम लोग इसलिए नहीं कह पाते कि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं होते और जो लोग होते हैं इसमें शामिल वो खुल करके बोलते नहीं है ये कि जो पैसा दिया है वो नहीं बताएगा, लिया है वो नहीं बताएगा। लेकिन ये एक तरह से पूरे एजुकेशन सिस्टम और नौजवानों के रोजगार से जुड़ा हुआ इतना गंभीर सवाल है कि जिस पर कोई बात ही नहीं होती। हमने 2009 में जब नेट का एग्जाम दिया तो वो वक्त था जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तब स्टूडेंट था एमए फाइनल ईयर का, और वो वक्त था कि जब कोई जेआरएफ हो जाए तो पूरे इलाके में चर्चा हो जाती थी कि वो फला व्यक्ति अपने विषय में जेआरएफ हो गया। जेआरएफ होने का मतलब ये होता था कि है वो नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी है नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना। अगर उसको क्वालिफाई करने के साथ आपकी मेरिट बहुत अच्छी है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलेगी, यानी आप अगर पीएचडी करते हैं तो सरकार आपको फेलोशिप देती है। वो इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, साल में 2 बार होती है, देश में शिक्षा व्यवस्था कैसे चलेगी, शिक्षक कौन बनेगा, ऐसे तमाम जरूरी बातों से जुड़ी हुई परीक्षा, और उसका पेपर लीक हो जाए, ये बहुत ही चिंताजनक है और ये लाखों नौजवानों के भविष्य से जुड़ी हुई है। मैं आज दोपहर में ऐसे ही कुछ काम कर रहा था, एक लेख लिख रहा था और उसी बीच एक फोन आता है और उस पे मैसेज आता है कि बहुत जरूरी बात करनी थी 2 मिनट आपसे। और सामने जब मैं फिर फोन आने पर उठाता हूँ तो ग्वालियर से एक बच्चा है और वो कहता है कि हमने प्रोफेसर बनने का सपना देखा, आप जैसे लोगों को सुनते पढ़ते रहे और नेट का एग्जाम दिया है, मैं मोबाइल शॉप में नौकरी भी करता हूं और नौकरी करने के साथ मेरे सामने विकल्प था कि अगर मैं मेहनत करके नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लूं तो मैं अपने पैर पे खड़ा हो जाऊंगा, मेरी माँ बीमार रहती है, पूरी फैमिली को मैं संभाल सकता हूँ। कहा कि एग्जाम देने के बाद जब मैं लौटा तो मैंने जोड़ा था नंबर जो ऑनलाइन आया था, 94% मेरे क्वेश्चन सही थे और मैंने घर वालों को बताया कि हो सकता है कि मेरा नेट क्वालिफाई हो जाए और मुझे फिर नौकरी मिल जाएगी, मैं ये मजदूरी वाली नौकरी नहीं करूंगा। और सर आज जब मुझे पता चला कि वो पेपर लीक होने के संदेह में पेपर रद्द कर दिया गया है तो मेरे सामने सुसाइड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बच रहा है। मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं कि जिस एग्जाम को लेकर के मैंने कल रात एक सपना आपको भी दिखाया वो एग्जाम अब रद्द हो गया, अब फिर से पता नहीं कब होगा। ये जो एक चीज है ना, वो एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। इस देश में बेरोजगारी की आलम यह है कि 100 में 80 से 85 नौजवान बेरोजगार बैठे हैं। उस देश में चुनाव किस मुद्दे पर हुआ, हमने लगातार उस पर चर्चा की है, इसमें नौजवानों की शिक्षा और रोजगार सवाल ही नहीं होते। हम बार बार एक बात कहते हैं कि ये एक पेपर का लीक होना नहीं है, ये एक परिवार या एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल होना चाहिए। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था और आज कभी जाया जाए कोटा, इलाहाबाद, दिल्ली के उन इलाकों में जाया जाए जहां वो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते हैं, इलाहाबाद में हमने वो कमरे देखे हैं, 10 बाई 10 के कमरे हैं, हजारों रुपए क्या बोल करके घर वालों से मिलता है, घर में लोग पेंट नहीं कराते, 2 जोड़ी कपड़ा कम पहनते हैं, खाना कम खाते हैं क्योंकि उनके घर का कोई बेटा या बेटी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वो 3 साल 4 साल एग्जाम की तैयारी करने के बाद
जब वो पेपर देने गए ये पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में दो बच्चों ने सुसाइड किया था पुलिस का पेपर लीक होने के बाद, और वो सुसाइड में ये बोल रहे हैं, बाकायदे चिट्ठी लिखी थी कि पेपर दे के हम लौट रहे थे तो हम तो क्वेश्चन मिला रहे थे और हम तो नहीं सपने पूरे कर पाए, अब हम क्या कह करके अपने घर वालों से अगले एक साल दो साल के लिए पैसा मांगेंगे, हम कैसे उन्हें बताएंगे कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसमें हमारा दोष नहीं, ये सिस्टम का दोष है जो पेपर एक स्कैम के तहत लीक करा रहा है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि बहुत कई परिवारों को तोड़ कर रख देने वाला है और एक साजिश है, उस साजिश में क्लियर डिविजन है। अगर आपकी जेब में 20 लाख 30 लाख 40 लाख देने एक पूरी सेटिंग करने के पूरे तरीके तौर तरीके की सहूलियत है तो आपको उस पूरे स्कैम में फायदा है। अगर आप गरीब कमजोर और उसमें भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब माइनॉरिटी और ओबीसी के घरों से हैं तो आप फर्स्ट जनरेशन होंगे जो इन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वो नीट का एग्जाम भी अभी हम देख रहे हैं, एक सूची है, वक्त चूंकि ज्यादा हो जाएगा लेकिन मैं वो सूची बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगभग एक दर्जन से ज्यादा पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में, पुलिस से लेकर के शिक्षक प्राइमरी के शिक्षक से लेकर के लोअर सबॉर्डिनेट के एक दर्जन पेपर लीक हुए, पेपर रद्द हो गए, अभी तक उनमें से कई परीक्षाएं हुई नहीं दोबारा। 5 साल अगर आपने एग्जाम नहीं लिया तो कोई ओवर एज हो गया, किसी का चांस चला गया, कोई गांव वापस लौट गया, ये एक पूरी की पूरी जनरेशन को बर्बाद करने जैसा ये सवाल है, इसलिए ये बात हम लोग को करनी चाहिए। जी हाँ, पर लक्ष्मण जी को मैं लाना चाहती हूँ इस वक्त पर, क्योंकि वो सिर्फ इम्तिहान और पढ़ाई और शिक्षा के बारे में नहीं जानते बल्कि जो बेहतरीन तरीके से जानते हैं वो राजनीति को समझते हैं। और मुझे लगता है देश में इस वक्त बहुत ही अग्रणी वो लोग जो कि राजनीतिक विश्लेषण करते हैं उसमें लक्ष्मण यादव मौजूद हैं, वो जमीन की लड़ाई भी लड़ते हैं और कलम से भी लड़ते हैं, इसके अलावा बेहतरीन तरीके से राजनीति को समझते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि गुजरात के वक्त से इस व्यक्ति ने हत्याओं के साथ जो एक डर और भय फैलाया है अपनी एजेंसीज को पुलिस को इस्तेमाल करके, द कॉन्सेप्ट ऑफ नरेंद्र मोदी हैज बीन शैटर्ड। नरेंद्र मोदी नाम का जो विचार है, या इसके लिए कोई और अच्छा शब्द भी हिंदी में हम ढूंढ सकते हैं, कि जो कॉन्सेप्ट है एक वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अगर वाजपेयी होते, मनमोहन सिंह होते तो शायद एक तरह की एक हम्बल तरीके से वो आगे बढ़ते और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते कि, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा खुद से भरे हुए हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे और इसीलिए हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि शायद इससे बड़ी बात कभी नहीं कही गई है नरेंद्र मोदी के बारे में। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा कि ये जो आत्मविश्वास आया है विपक्ष के नेताओं के पास, खासकर राहुल गांधी, या आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे सदन के भीतर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का, इन नेताओं ने असल में किया क्या, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या विपक्ष के और प्रमुख चेहरे हो, इन्होंने चुनाव ही उन मुद्दों पर लड़ा जो असल में जनता के मुद्दे थे। एक एक अगर शोध करने की गुंजाइश इस देश के विश्वविद्यालयों में बचे, और थोड़ा अभी तो अभी इस पर बात करिएगा, मैं एक स्क्रीनशॉट देख रहा था कि नेट के एग्जाम में शायद एक क्वेश्चन पेपर आया, अगर वो फेक नहीं है तो, मैं इस डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी उसको काउंटर चेक करेंगे, तो उसमें 22 जनवरी के इवेंट पर क्वेश्चन पूछे गए, उसमें रामचरितमानस पर, महाभारत पर इस तरह के क्वेश्चन है। अंदर शिक्षा व्यवस्था में कितना कुछ बदलाव हो रहा है, उसका सिलेबस बदला जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जरिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को सरकारी से प्राइवेट किया जा रहा है, उसका बहुत बड़ा खेल जो हो रहा है। अभी तो इस देश को इतना जागरूक होना था कि उन सवालों पर कब जाएगा, अभी तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके बच्चों के कई पीढ़ियां बर्बाद करने की तैयारी हो रही है, अभी तो उसमें डिबेट हमें ले जानी है। फिलहाल अगर हम पॉलिटिकल इशू पर इसे देखें तो ये एक ऐसा वक्त है जब विपक्ष ने चुनाव लड़ा पेपर लीक पर। आप अगर आज भी गूगल करने बैठिए तो आपको नरेंद्र मोदी के 7 चरण के भाषणों में से कुछ शब्द गूंजेंगे, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुजरा कर रहे हैं, मुसलमानों को सब दे देंगे, ये गूंज रहे होंगे शब्द चुनाव के बीच में। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप राहुल गांधी का भाषण सुनेंगे, आप अखिलेश को सुनेंगे, आप किसी को सुनेंगे, तो आपको पेपर लीक का सवाल सुनाई देगा, आपको अग्निवीर का सवाल सुनाई देगा, किसानों के, नौजवानों के मुद्दे सुनाई देंगे, ये फर्क है। और जनता ने
उस जो आइडिया ऑफ मोदी है, आइडिया ऑफ इंडिया पर जो हावी हो गया है आइडिया ऑफ मोदी, उसे ध्वस्त कर दिया। और इतना ध्वस्त किया कि जो कल तक मोदी मैं था, सब कुछ मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, मोदी मैजिक, वो खत्म होके एनडीए हो गया। ये बदलाव आया है। तो आत्मविश्वास, जब आत्मविश्वास हो तो वो बेहतर होता है, अहंकार जब बन जाए तो वो तानाशाही की तरफ ले जाता है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तो ये मुश्किल वक्त है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी गठबंधन की सरकार चलाई ही नहीं, और जनता ने कहा कि आपको अकेले हम इतना बहुमत नहीं दे रहे, तो ये गुरूर उनका टूटा है। दूसरी तरफ विपक्ष को आत्मविश्वास मिला है कि नहीं, ये देश रूस और चीन की तरह नहीं है, ये देश तानाशाही को कबूल नहीं करता है, ये देश लोकतंत्र को जीता है, और इसलिए विपक्ष को इतना ताकत दिए हुए है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तेवर दिख रहा है। वो अभी सदन शुरू होने दें आप, 24 जून को शपथ ग्रहण के बाद। अभी राहुल गांधी का आप जो क्लिप चला रही थी वो तो उन उन उन, उन चीजों की तरफ इशारा कर ही रहे थे कि उनके घर के भीतर क्या झगड़ा हो रहा है, कौन है वो प्रमुख, वो एक सांस्कृतिक संगठन का जिसे 10 साल में विपक्ष प्रतिपक्ष नजर नहीं आया। चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, शोधार्थी आज भी जेल में है, प्रोफेसर आज भी जेल में है। वो तब नहीं समझ में आया कि अहंकार से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस प्रमुख का बयान आता है कि अहंकार से चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। अभी नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय नहीं मिला है, नायडू को अभी लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिला है, शिंदे को अभी ये पता है कि उनका क्या भविष्य हो गया, इसलिए 100 सीटें मांग रहे हैं विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में। अभी तो खेल बाकी है। कल तक जिन्होंने कठपुतली की तरह पूरे लोकतंत्र को नचाया ना, अब वो कम से कम एक बदले हुए रूप में दिख रहा है। इसलिए चाहे पेपर लीक का सवाल हो, चाहे अग्निवीर का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, या जातिवार जनगणना का सवाल हो, सामाजिक न्याय के सवाल हो, इन पर जब सदन चलेगा तो जवाब तो देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को। अभी देखना है कि वो जो सीना थोक करके कहने के आदि हो चुके थे कि एक अकेला सब पर भारी, ऐसा होता नहीं है। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब भी उन्हें ढूंढ के देना होगा। और जनता असल में सबसे बड़ी ताकत रखती है। उत्तर प्रदेश में मैं अगर केवल आपको बस एक छोटी सी फेहरिस्त गिनवा दूं, केवल यूपी की गिनवा दूं, कि यूपी में जितने पेपर लीक हुए हैं 2017 से लेकर के आज तक, एक साथ एसआई पेपर लीक, लोअर सबॉर्डिनेट, 2018 में 4-5 पेपर लीक हुए, लोअर सबॉर्डिनेट पेपर, यूपीपीसीएल पेपर, पुलिस का पेपर, उसके बाद अधीनस्थ सेवा, स्वास्थ्य प्रोन्नति, नलकूप ऑपरेटर, 2021 में 4 पेपर लीक हुए, पेट का, टेट का और इंटरमीडिएट का पेपर लीक हुआ, 22 में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, और उसके बाद जब 24 में जाएंगे तो 24 में 17-18 फरवरी को कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ और परीक्षा रद्द कर दी गई, फरवरी 11 फरवरी को आरओ और एआरओ का पेपर उसमें धांधली पाई गई है, जांच चल रही है, यूपी बोर्ड 2022 इंटरमीडिएट का पेपर लीक हो गया। ये जो सवाल जब बनेंगे तो इसके बाद मुझे लगता है कि देश की राजनीति खूबसूरत होगा, कि मछली, मटन, भैंस खोल ले जाएगा, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। इससे आगे बढ़ करके वो ये देखें कि कौन आपके बच्चों का सपना छीन रहा है, वो किसको दिया जा रहा है। लक्ष्मण जी, आपको लग रहा है कि ये दबाव विपक्ष का साफ तौर पे दिख रहा है इस फैसले में? वरना नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हमने हमेशा देखा है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते, हम कदम पीछे नहीं हटाते, हम ये सब नहीं करते। हमने हमेशा देखा अमित शाह इन सबके मुंह से इस तरह का अहंकार, ये नहीं चाहते थे कि संसद का सत्र शुरू होने से ठीक पहले इस तरह का ये मुद्दा आ जाए, तो इन्होंने अब ये एग्जाम कैंसिल कर दिया। आपको लगता है कुछ ना कुछ दबाव कम आ रहा है? मुझे याद आ रहा है कि 2020 का शायद चुनाव था दिल्ली विधानसभा का, और रामलीला मैदान, मेरा कॉलेज तब उसी के सामने था, वहां बैठ करके एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि आपकी जेब में 10 रुपए बचने लगाना, क्योंकि एक नसीब वाले को आपने चुना है, और वो देश के प्रधानमंत्री थे। तो वो जो नसीब वाले थे ना, अब ऐसा लग रहा है कि ग्रह दशा बदल गई है, बदनसीब राम ने अयोध्या मैं तो यही बोल रहा हूँ, अयोध्या हार गए, अब क्या चाहिए, आप अयोध्या हार गए, श्रावस्ती हार गए, इलाहाबाद हार गए, चित्रकूट हार गए, तमाम जितने धार्मिक जगह, रामटेक एक जगह है महाराष्ट्र में कि राम जी विश्राम के, वो भी हार गए बीजेपी। तो बीजेपी से मुझे लगता है कि भगवान भी त्रस्त हो गए हैं कि भाई अब बस करो, जनता सबसे बड़ी है, वो जनता दिल में भगवान को रखना होगा रखेगी, लेकिन जुबान पर लोकतंत्र के ढांचे से सवाल पूछेगी। तो विपक्ष जो मजबूत हुआ है वो जनता के इस फैसले से हुआ है, और निश्चित रूप से विपक्ष मजबूत हुआ है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है,
इसका दबाव निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, अभी अगर एनडीए की सरकार नहीं है तो नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर है, और ये दबाव कोई सामान्य दबाव नहीं है। अब अगर आपको लोकसभा से सांसदों को निष्कासित भी करना होगा तो उनकी संख्या भी 240 के ऊपर है, तो ये बहुत बड़ी संख्या लोगों को निकालना होगा, बहुत लोगों को निकालना, बहुत बड़े लोगों को निकालना होगा। इससे अच्छा है कि अपना अहंकार निकाल लिया जाए, और अगर नहीं निकाला जाएगा तो ये सरकार बहुत दिन तक इस तरह की चीजों को झेल नहीं पाएगी।